साइन थीटा माइनस के एन थीटा इंटू डी थीटा। इसको देखो बेटा, मैं जैसे रियल पार्ट की फॉर्म में लिखता था वैसे ही लिख रहा हूँ और आपको समझा दूंगा क्या है। इसको मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई, ये तो रियल नंबर पहले से है ही, ई की पावर कोस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा माइनस के एन थीटा, साइन थीटा माइनस के एन थीटा, ओके, और इंटू डी थीटा। जरा इसको समझने की कोशिश करो, ये इसका रियल पार्ट कैसे है, समझने की कोशिश करना। ये वाला जो है, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन वन है, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन टू है। मैं बताऊंगा इक्वेशन टू का ये वाला रियल पार्ट कैसे है। देखो आई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू पाई तक, ई की पावर कोस थीटा तो है ही, ई की पावर आल्टा थीटा का फार्मूला होता है, कितना होता है कोस थीटा कोस साइन थीटा माइनस के एन थीटा प्लस आयोटा साइन, एंगल कितना है साइन थीटा माइनस के एन थीटा, आप जानते हो ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसका मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ देखो ज़रा सा, इस बात का ध्यान दो, ये जो और इंटू गुणा में कितना है, और इसके सारे गुणा में है डी थीटा। भाई आप इस चीज़ को जानते हो, ये जो फंक्शन है, ये जो आई है, जो मेरा इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला पोर्शन तो रियल पार्ट होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक ये तो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आई लगा होता है ये इमेजनरी पार्ट है, ओके। मैं इसको लिख सकता हूँ आई बराबर, अगर रियल पार्ट की बात करूँ, रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई है। जरा देखो आप रियल पार्ट भी देख लो और इमेजनरी भी देख लो, रियल पार्ट होगा ई की पावर कोस थीटा इंटू कोस साइन थीटा माइनस के एन थीटा, ये तो हुआ रियल पार्ट इस इंटीग्रेशन का। अगर मैं इमेजनरी पार्ट की बात करता हूँ, आई इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट की बात करता हूँ, तो कितना होगा इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई होगा, ई की पावर कोस थीटा होगा, और ये हो जाएगा इसका साइन थीटा माइनस एन थीटा। आपको दिख रहा है इमेजनरी पार्ट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इमेजनरी पार्ट। अब देखो बेटा, ये जो रियल पार्ट है, ये वाला जो रियल पार्ट है, इसको मैंने ई की फॉर्म में लिखा आपके सामने है, ऊपर जो रियल पार्ट रखा हुआ था ये वाला जो है, ये ई की पावर आल्टा थीटा का रियल पार्ट है, और इसी को मैंने रियल पार्ट की फॉर्म में लिख दिया। मेरा ख्याल से आपकी बात समझ आ चुकी होगी, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो रियल पार्ट मेरे पास निकल करके आया है, ज़रा इसी की बात करते हैं। आई इज इक्वल टू जो बना, आई बराबर हुआ रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ई की पावर कोस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा माइनस के एन थीटा, साइन थीटा माइनस के एन थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है ना। देखो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये भी ई की पावर है, ये भी ई की पावर है, इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ई की पावर कोस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर लिखा जा सकता है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ई की पावर, आपको पता है ई की पावर ए गुणा ई की पावर बी बराबर होता है ई की पावर ए प्लस के बी, इसको लिखा ई की पावर कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा इंटू ई की पावर माइनस के आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। हमारे पास फार्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है
कॉस थीटा प्लस क्या है उल्टा साइन थीटा, आप जानते हो। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, इसको मैंने लिखा आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ई की पावर अल्टा थीटा इंटू ई की पावर माइनस अल्टा एन थीटा इंटू डी थीटा। जीरो से टू पाई है तो जाहिर सी बात है यूनिट सर्कल होगा, जेड इज इक्वल टू ई की पावर अल्टा थीटा होगा, डी जेड की वैल्यू होगी अल्टा ई की पावर अल्टा थीटा इंटू डी थीटा। इसकी वैल्यू डालूंगा मैं, डी जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी कितनी निकल करके आएगी भाई, डी जेड होगा आयोटा जेड इंटू डी थीटा। इसको लिख सकता हूँ बेटा डी जेड अपॉन आयोटा जेड इज इक्वल टू डी थीटा। देखो आप कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको डिवाइडेशन में डालने के बाद। एक चीज़ और भी, ए की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी है जेड, ए की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी जेड की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस एन आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी जेड की पावर माइनस के एन। क्लियर, सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू बना रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई, ये बना ए की पावर कितना बना भाई जेड बना, ए की पावर अल्टा थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने जेड इंटू ये कितना बना जेड की पावर माइनस के एन बना, ये वैल्यू डाली मैंने, डी थीटा की वैल्यू डाली डी जेड बटे आयोटा इंटू जेड। क्लियर, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कर्व इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई, ये हुआ ई की पावर जेड इंटू डी जेड बटे आयोटा इंटू जेड की पावर एन प्लस के वन आपके सामने। इसको लिख सकता हूँ बेटा आई इज इक्वल टू रियल पार्ट तो ये हुआ इंटू वन अपॉन आयोटा हुआ, और कर्व इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिया मैंने एफ जेड इंटू डी जेड। अब एफ जेड देखो आपका क्या है भाई, यहाँ से एफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी आपको भी देख रही है, एफ ऑफ जेड होगा ई की पावर जेड बटे जेड की पावर एन प्लस के वन। अगर मैं पोल की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ पोल्स ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन को जीरो के बराबर रखा, बराबर जीरो के यानी जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, और पोल का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर होगा इसका एन प्लस के वन। क्लियर है ना, यानी आप क्या कहोगे जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए पोल। अब मैं रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, नाउ रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ जेड इज इक्वल टू जीरो पर। आपको ये पता है फार्मूला जो होता है वो ये होता है वन अपॉन फैक्टोरियल एन डी एन ओवर डी जेड एन इंटू ई की पावर जेड। ओके, स्पेशल फार्मूला होता है आपको हमेशा याद रखना है, और आप कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू पढ़ रहे हो तो आपको पता होगी, और ये वैल्यू जो होती है जेड इज इक्वल टू जीरो को होती है जब आप इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे। देखो आप डी ओवर डी जेड ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड रहता है, अगर आप पांच बार डिफरेंशिएशन करोगे तब भी ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड ही होता है, तो रेजिड्यू निकल करके कितना आया भाई, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू जीरो पर वन अपॉन फैक्टोरियल एन हुआ गुणा ई की पावर जेड, और जेड की वैल्यू किस पर चाहिए जीरो पर चाहिए, बराबर निकला वन अपॉन फैक्टोरियल एन गुणा ई की पावर जीरो, बराबर निकल गया वन अपॉन फैक्टोरियल एन। नाउ भाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम जो बोलती है आपको भी पता है क्या बोलती है भाई,
कोची रेसिडुअल थ्योरम ये बोलती है कि कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू ओके। तो यहाँ से निकल कर के आया भाई बराबर कितना निकला, टू पाई आयोटा तो ये हुआ, टू पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू वन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब ये पुटिंग करूँगा मैं इसके अंदर, पुटिंग दिस वैल्यू, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए है, पुटिंग दिस वैल्यू इन ए, पुटिंग द वैल्यू कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन इन ए, ए के अंदर मैंने इसको जैसे ही पुट किया ये निकल करके आया आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू डाली मैंने वन अपॉन आयोटा गुणा टू पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन, आयोटा से आयोटा कैंसिल, मेरे पास निकला टू पाई अपॉन फैक्टोरियल एन। देखो प्रूफ क्या करना था भाई, ये देखो यही आपको प्रूफ करना था, आपका रिजल्ट आ चुका, आपको दिखाना था टू पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन, टू पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन, हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।